नमस्कार दोस्तों, मम्मी पापा किचन में आपका स्वागत है। तो बड़े दिनों से कोई रेसिपी नहीं आ रही थी हमारी, तो आज एक नई रेसिपी लेके आए हैं हम, जो है पालक और न्यूट्री। पालक में न्यूट्री को डाल के कैसे बनाते हैं, आज उसकी रेसिपी डालेंगे हम। तो चलिए बनाते हैं, आइए। तो ये हमने पालक धो लिया है अच्छे से, 3-4 पानी में धो लिया है, तो इसको हम उबालेंगे। तो उबालने के लिए हमने एक पतीले में पानी डाल दिया है, वो पानी भी उबलने वाला ही है, तो इसमें हम जो ये पालक ले वो इसमें डाल देंगे। ये सिर्फ कम से कम 5-10 मिनट में अच्छे से उबल जाएगा, सारा पालक इसमें डाल देंगे। अभी तो ये ऊपर है, जैसे जैसे वो उबलता जाएगा वैसे वैसे नीचे बैठता जाएगा सारा पालक, और इसको उबलने देते हैं अभी। तो आगे बनाते हैं न्यूट्री की तैयारी करते हैं। न्यूट्री हमने उबाल ली है अच्छे से, उबाल के 3-4 पानी से अच्छे से धो लिया है, इसको हम मैरिनेट करेंगे। ये लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है हमने, ये इसमें थोड़ा सा डाल देंगे, थोड़े से मसाले डालेंगे सूखे, थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, नमक, एक चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर और एक चम्मच मैदा। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे, तो इसमें अच्छे से ये मैरिनेट हो जाएंगे, और इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे हम। ये जो लहसुन और हरी मिर्च का जो है इसमें चला जाए, और फिर इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। तो हम 10-12 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आगे हमारा पालक देख लेते हैं, पालक कैसा है। ये पालक भी हमारा अच्छे से उबलने लगा है, सारा नीचे बैठ गया पानी में, इसको ऐसे ही उबलने देते हैं और इसको एक प्लेट से कवर कर देते हैं जिससे अच्छे से उबल जाए। तो पालक हमारा उबल चुका है, और साथ में ये हमने ठंडा पानी ले लिया है। पालक को इसमें से निकाल के सीधा ठंडे पानी में डालेंगे, जिससे जो इसका हरा रंग है वो ऐसे ही बरकरार रहे। ये ऐसे सीधा डाल देंगे हम, सारे पालक को ऐसे ही पानी में डाल देंगे। कढ़ाई हमने रख दी है, उसमें तेल भी डाल दिया है गर्म होने के लिए, और ये हमने प्याज भी चॉप कर लिए। ये हमारी 2 प्याज है जिसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले। हमारा पालक ठंडा हो चुका है, और इसे हम डालेंगे मिक्सी में। मिक्सी में थोड़ा अच्छे से निचोड़ के डालिएगा। सारे पालक को मिक्सी में डाल के और इसको थोड़ा हल्का सा पीसेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे इसको हम। तो ये देखिए हमने मिक्सी में पीस लिया है, और कितना हरा रंग आया है इसमें। इसी करके इसको ठंडे पानी में डालते हैं जिसका इसका रंग हरा ही रहे। और हमारी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है, हमने लिया है 1 तेज़पत्ता, दालचीनी और इलायची, और अब इसमें डालेंगे ये प्याज। तो प्याज को अच्छे से हम भूनेंगे, जब हमारी प्याज थोड़ी सी लाल हो जाएगी तो इसमें हम डालेंगे जो हमने लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था, उसको डालेंगे। तो तब प्याज को होने देते हैं हम।
तो प्याज हमारी हो चुकी है लाल। अब इसमें डालेंगे लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, तो इसको भी अच्छे से पकाएंगे। लहसुन भी अच्छे से पक चुका है, अब इसमें डालेंगे दूसरे मसाले। मसाले में जाएगी हल्दी, धनिया, नमक थोड़ा घटी डालना, आधा चम्मच से थोड़ा घट, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले हमारे पक चुके हैं, अब इसमें डालेंगे दो टमाटर, दो हमने ग्राइंड कर लिए हैं। टमाटर को काट के मसाले को अच्छे से पकाएंगे। और इसको एक प्लेट से कवर कर देते हैं, गैस का फ्लेम कर देते हैं स्लो। हमने फ्राई पैन रख दिया है तेल गर्म करने के लिए, जो हमने ये न्यूट्री को मैरिनेट कर रखा था, हमारे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें अब सारे ये जो न्यूट्री है डाल देंगे। तो ये देखिए हमारी अच्छे से हो गई है, अब इनको ऐसे ही निकाल देंगे और सारी मेटी मैं ऐसे ही तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सारी नियुक्ति को हमने फ्राई कर लिया और इसको साइड में रख दिया। और अब हमारे मसाले को देखते हैं, मसाला भी तकरीबन हमारा बन चुका है, इसको मैंने बीच में एक दो बारी देख लिया था। इसको थोड़ा सा और पकाएंगे हम। इसमें लाल मिर्च क्यों नहीं डाली, इसमें हम बाद में कश्मीरी लाल मिर्च का तड़का देंगे ऊपर से, जिसमें जो हरी मिर्च है वो भी थोड़ी तेज है, तो इसको तो थोड़ा कम तीखा ही रखेंगे। तो मसाला हो चुका है, जो हमने पालक पीस के रखा था वो डाल देंगे। जो हमारी मिक्सी में थोड़ा सा पालक की वो रहेगी उस पर थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके वो भी निकाल देंगे। और इसको अच्छे से पकने देंगे हम। इसमें हम ये एक चम्मच के करीब आटा लेंगे, आटे में थोड़ा पानी डालेंगे। आपके पास मक्की का आटा हो वो भी ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप आटा भी ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा घोल बना के इसमें डाल देंगे।
और उसको अच्छे से पकाएंगे। जो ये हमारा पालक है ये अच्छे से आप पसंद मिक्स हो जाएगा और बड़ी अच्छी सी ग्रेवी बनेगी इसकी। अब इसको जो हमने ये पानी पालक का उबाल के रखा था इसी को ही डालेंगे हम। जितना आपको पानी चाहिए उतना ही डालिए, अगर पतला रखना है पतला, गाढ़ा रखना है तो गाढ़ा। पालक को पकने में भी और मसालों को भी पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको एक प्लेट से कवर करते हैं 10 से 12 मिनट के लिए और गैस का फ्लेम स्लो करते हैं। तो ये देखिए पालक हमारा आधा पक चुका है। अब इसमें ये जो हमने ये न्यूट्री को फ्राई करके रखा था ये भी डाल देंगे, जिससे अच्छे मसाले इनमें भी चले जाए। अगर आपको ये गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा गाढ़ा है, ये थोड़ा पकेगा ना, अभी थोड़ा पानी और डाल देते हैं। ये इसमें साथ ही में हम अब इसमें तड़का भी दे देंगे। जो हमने ये सोयाबीन फ्राई करी थी उसी तेल में हम तड़का देंगे। ये मैंने गरम कर लिया है, इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च गिरेंगे। जैसे ही फाइन लाल मिर्च पकती है तड़का दे देंगे और अब अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको आप पकने देंगे 5 मिनट के लिए, जिससे अच्छे से ये न्यूट्री हमारी न्यूट्री तो वैसे पक चुकी है हमारी, थोड़े मसाले इसमें चले जाएंगे। और फिर इसको आप 5 से 10 मिनट बाद आपको दिखा दें। तो देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, गैस का फ्लेम बंद कर दिया है हमने। तो सब्जी देखिए हमारी बन चुकी है। तो ऐसे सब्जी आप बनाएं, खाएं और इंजॉय करिए, और हमें कमेंट करके बताना आपको ये सब्जी पालक ने और न्यूट्री की कैसी लगी। और जब ठंडी हो जाएगी तब इसका कलर और भी अच्छा आएगा, अभी तो गर्म है। इस सब्जी को ज़रूर ट्राई करना हमारे तरीके से। ऐसे ही मम्मी पापा किचन को प्यार देते रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करा करिए और बेल आइकन तो ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी अगली रेसिपी आपको पता चल जाए।